जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। ठंड को देखते हुए रात्रि में पुलिस की बढ़ा दी गई है गश्त, बैरिकेटिंग लगाकर किया जा रहा है वाहनों की चेकिंग, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज पंचम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के ग्राउंड पर खेला गया कबड्डी मैच, 4 दिसंबर को होगा समापन। विजयी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे सम्मानित। नगर निगम के द्वारा वेस्ट टायर से बनाया गया फर्नीचर लोगों को आ रहा है खूब पसंद, नगर निगम वेस्ट सामानों से बना रहा है नई नई वस्तुएं। वेस्ट हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए पूजित अक्षत का पूजन अर्चन कर किया स्वागत, 1 जनवरी को अक्षत आम जनमानस में किया जाएगा वितरित। गोरखपुर के डीएवी पीजी कॉलेज परिसर में बैडमिंटन खेलते समय अचानक एक छात्रा हुई बेहोश, जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्किल बर्थ अटेंडेंट्स SBA के जरिए मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकने की जा रही है कवायद, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में स्वास्थ्यकर्मियों जैसे स्टाफ नर्स, ANM, आंगनवाड़ी स्वास्थ्यकर्मियों को जिला महिला अस्पताल में दिया जा रहा प्रशिक्षण। गोरखपुर में यातायात माह को लेकर SP ट्रैफिक का बयान, यातायात माह के तहत लोगों को किया गया जागरूक, यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ करीब 2.5 करोड़ रुपए का काटा गया चालान। कोहरे के दौरान भी ट्रेनों के संचालन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए सभी ट्रेनों में लगेगी फॉग सेफ डिवाइस, यह डिवाइस सिग्नल के 500 मीटर पहले ही लोको पायलटों को कर देता है सतर्क, डिवाइस के लगने के बाद ट्रेनों को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेनें। एम्स के प्रशासनिक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में एम्स प्रेसिडेंट देश दीपक ने कहा, अब एम्स अमृत फार्मेसी से ही खरीदेगा ऑपरेशन में लगने वाले उपकरण।